बालासोर हादसे के बाद रेल सेवा शुरू करने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। रेलवे ट्रैक की डाउनलाइन का काम पूरा हो चुका है, अपलाइन को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से जारी है। बड़ी जानकारी, रेलवे कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत करके रेल सेवा बहाल करने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री भी लगातार लगे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, डाउनलाइन का काम रेलवे ट्रैक का लगभग पूरा कर लिया गया है। परिचालन शुरू करने का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। संभवतः एक या दो दिन में जो काम है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद सुचारू रेल व्यवस्था जारी होगी। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बालासोर में ट्रैक ठीक करने का काम जहां एक तरफ जारी चल रहा है, रेल मंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिकल कुछ इशू होने की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन इस पूरे हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बालासोर में ट्रैक ठीक करने का काम लगातार जारी है। रेलवे कर्मचारी दिन रात वहां पर लगे हुए हैं। बड़ा हादसा हुआ है, 300 के करीब लोगों की जान चली गई है, 1100 के करीब लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार की तरफ से हर जरूरत पहुंचाने की भरोसा जताया जा रहा है, जहां जो मृत परिवार है उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, जो घायल हैं उनको 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में ये बड़ी जानकारी कि अब इस पूरे हादसे की जांच सीबीआई करेगी, रेल मंत्री की ओर से ये बयान सामने आया है।